देश के सबसे लंबे पुल का दीदार कर लीजिए। पूर्वोत्तर की आ और देश की शान बने इस पुल को बनाने में 21 साल लग गए। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना करीब 5 किलोमीटर लंबा ये पुल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल और रोड ब्रिज है। पुल के ऊपर 3 लेन में गाड़ियां रफ्तार भरेंगी और नीचे 2 ट्रैक पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। इस स्पेशल पुल को स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। इससे 500 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। पूर्वोत्तर में रहने वाले 50 लाख लोगों को पुल से सीधे फायदा होगा। पहले गुवाहाटी होते हुए ईटानगर जाना पड़ता था, अब डिब्रूगढ़ से सीधे धेमाजी होते हुए ईटानगर कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकेगा। पुल का काम होता है एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ना, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असम के 2 इलाकों को ये जोड़ रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल की सीधी सीधी दूरी कम कर रहा है। चाहे वो आर्मी की बात हो या दूसरी स्ट्रेटजिक फोर्सेस की बात हो, सबके लिए सहूलियत है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत वाली बात है। सीधा सीधा ईटानगर की दूरी की अगर हम बात करें तो वो भी कम हुई है, और यहाँ से अगर किसी को जाना है दूसरे इलाके में, ख़ास तौर पर अरुणाचल में, उसके लिए काफ़ी आसानी वाला सफ़र होगा। बोगीबेल पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बना है। यहाँ रिएक्टर पैमाने पर 7 स्केल तक का भूकंप आता रहा है, लेकिन इस पुल को भूकंप रोधी बनाया गया है, जो 7 तीव्रता से ज्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल 42 खंभों पर टिका है। हर खंभा नदी के अंदर 62 मीटर तक गाड़ा गया है। बोगीबिल का तोहफा देश को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। 1985 में ही असम समझौते के तहत इस पुल की रूपरेखा बनी थी। 1997 में देवेगौड़ा की सरकार में इसकी नींव रखी गई। काम शुरू होते होते अटल सरकार आ गई। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में काम को गति मिली। मोदी सरकार में इसे अंतिम रूप दिया गया।